Hello friends, welcome to MS Maths. Now we are studying about convergence and divergence. This is the part number 3 of series जो हम इसकी सीरीज जो हमारी चल रही है इस टॉपिक की, उसमें ये थर्ड पार्ट है. इससे पहले मैंने यहां पे जो सम वाला जो हम कह सकते हैं इसको टेस्ट करने का, कि कोई भी अगर सीरीज गिवन है उसको टेस्ट करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अभी वो पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सीरीज. इससे पहले मैंने दो वीडियो और बना दिए हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस टॉपिक पे. उसमें मैंने बताया कि हम सम के थ्रू, अगर सम में इफ वी विल गेट द सम ऑफ गिवन सीरीज इज इनफाइनाइट, सो दैट विल बी द गिवन सीरीज दैट विल बी डाइवर्जेंट. एंड हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो अगर हमको फाइनाइट मिलती है, उसमें फाइनाइट मिलती है तो क्या हो जाता है वहां पे, वी विल गेट फाइनाइट सो दैट वी कैन से द सीरीज इज अ कन्वर्जेंट. तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब इतना सा रहता है कि हम अगर फाइनाइट टर्म अगर वहां पे हमको मिलती है तो कन्वर्जेंट हो जाती है, और अगर वहां पे जो है इनफाइनाइट मिलती है हमको टर्म तो वो डाइवर्जेंट हो जाती है. और अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट. अब फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, कि जब क्या हो जाता है कि सम वाला कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी सीरीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की सीरीज में हम सम फाइंड नहीं कर पाते हैं बाय द जो जीपी का जो होता है फॉर्मूला, बाय द फॉर्मूला ऑफ जीपी, उससे हम नहीं कर पाते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस कंडीशन में हमको वहां पे ना फाइनाइट मिलता है ना इनफाइनाइट, मतलब हम कह सकते हैं हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं. जब सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट का वहां पे यूज होता है, तो इसकी हमको नीड होती है. तो हम देखते हैं कि क्या होता है फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट में, कि इफ यू एन एंड वी एन आर टू सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म, यू एन एंड वी एन जो है वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और वो गिवन है अपने को, उसमें फिर दो कंडीशन होगी. If Vn is a convergent and also Vn is less than equal to Un is less than equal to Vn. Un जो है वो Vn से छोटी भी है और उसके equal भी है. And where n belongs to capital N, natural number से belong करता है, so we can say that the Un is a convergent. Vn convergent है और ये condition अगर follow हो रही है तो वो convergent होगा. And in second case the Vn is divergent and इस condition को follow कर रही है. Un greater than equal to Vn, so that the given Un is also a divergent. तो यहाँ पे दो condition को हम follow करते हुए इस question को solve करेंगे. Question है हमारा, prove that the following series is convergent. अब convergent है तो क्या मतलब होगा, कि जो Un है वो less than Vn होगा और equal to Vn होगा. और हमको ये भी करना पड़ेगा कि Vn को हम क्या करेंगे, convergent prove कर देंगे और Vn automatically अपना Un जो है वो convergent हो जाएगा. अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फैक्टोरियल में है, 1 upon 1 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 2 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 3 फैक्टोरियल. तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसके सॉल्यूशन में मैं यहां से सॉल्यूशन करता हूं इसका, मैं लेट कर देता हूं, लेट द सम ऑफ यूएन इज इक्वल टू 1 upon 1 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 2 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 3 फैक्टोरियल अप टू 1 upon n फैक्टोरियल. ठीक है, यहां से मैंने इसको लेट कर दिया, ये मेरा यूएन है. अब हमारे पास में यहाँ पे Vn नहीं होता है, तो जो Vn सीरीज है उसको हमको बनाना पड़ता है. अब वो कैसे बनाएंगे, तो यहां से मैं अगर सबसे पहले देखता हूं ऑन यूजिंग फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट. अब यहां पे हम कौन सा कंपैरिजन टेस्ट यूज कर रहे हैं, फर्स्ट यूज कर रहे हैं. अब फर्स्ट से पहले एक आता है सम वाला. अब सम वाला यहां पे हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट जीपी, ये मतलब एक अलग है, हम कह सकते हैं जैसे फैक्टोरियल यूज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस भी हम कह सकते हैं अलग अलग है, हो सकता है इसमें. तो ये एक सीरीज हो गई. अब सीरीज में क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सम वाला मेथड है वो यूज नहीं कर सकते. तो ये हो जाएगा यूएन इज इक्वल टू, ये हमारे पास में आ जाएगा, ये यूएन का हो गया सम. अब हमको यहां से वीएन का सम फाइंड करना है. तो जो वीएन का सम हम फाइंड करते हैं, तो यहां पर हम कुछ चीजें देखते हैं. हमको ये वाली कंडीशन लागू करनी है कि यूएन इज लेस देन इक्वल टू वीएन.
ठीक है, हमको क्या करना है, यूएन इज लेस देन इक्वल टू वीएन रखना है। अब मैं यहां पे देखता हूं, फर्स्ट मैं टू फैक्टोरियल से स्टार्ट करता हूं। देखो टू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, टू होती है, टू फैक्टोरियल जो है वो टू के इक्वल हो जाएगा। और हम यहां पे देखते हैं, फिर आगे देखेंगे कि जो थ्री फैक्टोरियल है वो हो जाएगा सिक्स, एंड दिस इज ग्रेटर देन टू पावर टू। सबसे पहले देखते हैं कि जो टू फैक्टोरियल है वो टू के इक्वल होगा, और ये जो टू है उसको मैं टू की पावर वन के इक्वल कर देता हूं। देखो मुझे अभी क्या करनी है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी है, ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी है, तो मैं क्या करूंगा उसकी पावर को बढ़ा दूंगा, पावर बढ़ती रहेगी उसकी। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैंने क्या कर दिया यहां से, ये जो टू है चलो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं यहां से एक बार। अब मैं क्या करता हूं, वन बाय टू लिखता हूं, वन बाय टू है वो भी वन बाय टू के इक्वल हो जाएगा, इसको मैंने इसके इक्वल किया तो वन बाय टू भी इक्वल हो गया। अब मैं बात करता हूं इसका जो जो नेक्स्ट टर्म है, इसका जो कह सकते हैं हम हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको देखते हैं, वो हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल। अब जो थ्री फैक्टोरियल है, इस थ्री फैक्टोरियल की अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूं तो वो आती है मेरे पास सिक्स। ठीक है, यहां से ध्यान से देखना, मैंने यहां पे जो बेस यूज किया वो है टू, उसी टू के बेस में हमारा क्या होना चाहिए, आगे ज्योमेट्रिक जो सीरीज है वो बननी चाहिए। तो हमने यहाँ पे टू वाला बेस यूज किया है, उसकी पावर वन लिखी है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू पावर टू लिखेंगे। अब जो टू पावर टू होता है वो इससे छोटा होता है, यानी फोर होता है, सिक्स से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल की, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल सॉरी वन अपॉन सिक्स हो जाएगा, और जो वन अपॉन सिक्स है वो लेस देन होता है वन अपॉन फोर से। देखो इसका रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन था तो अब ये ग्रेटर देन हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मतलब ये क्या हो गया, टू का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, वन अपॉन टू स्क्वायर हो गया। ये वापस इसका क्या होता है, जब रेसिप्रोकल हो जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वन अपॉन सिक्स जो होता है वो लेस देन होता है वन अपॉन फोर से। नेक्स्ट मैं यहां पर अगर बात करूं, यहां से मैंने थ्री ले लिया, आगे मैं फोर लूंगा इसमें, तो फोर के लिए बात करता हूं, तो फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू, ओके दिस इज अ 24। तो 24 जो है वो ग्रेटर देन है टू पावर थ्री से। देखो यहां से देखो, मैंने वन लिया पहले टू की पावर, फिर मैंने लिया टू की पावर टू, और अब मैं क्या ले रहा हूं, टू की पावर थ्री। अब जब टू की पावर थ्री ले रहा हूं उस टाइम पे ये ग्रेटर देन है। नाउ इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, और वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पावर थ्री से लेस देन हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सारी हमने यहाँ पे काम किया है उसमें हम क्या हम गेट करते हैं कि 1 by 2 is equal to 1 by 2 फैक्टोरियल लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1 by 3 फैक्टोरियल is less than 1 by 2 square, यहाँ पे पावर 1 थी यहाँ पे पावर 2 हो जाती है। फिर 1 by क्या लेते हैं, यहाँ से 4 फैक्टोरियल लेते हैं यहाँ पे पावर 3 आ जाती है। तो ये तो क्या बन रही है हमारी, यूएन बन रही है, ये क्या बन रहा है हमारा यू एन के टर्म है। और जो इसके साथ में आगे जो हमारे पास बन रहे हैं वन अपॉन वन पावर टू पावर वन, वन अपॉन टू पावर टू, वन अपॉन टू पावर थ्री, ये जो टर्म होंगे वो हमारे कह सकते हैं ऑस्किलेट जो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी जो हम कह सकते हैं वी एन है इसकी सहायक जो कह सकते हैं श्रेणी, सहायक श्रेणी का निर्माण करेगी, और उसका जो सम होगा वी एन इज इक्वल टू वन अप सॉरी वन की जगह वन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सबसे पहले वन है ना, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा वन आएगा, फिर आएगा वन बाय टू, फिर आएगा वन बाय टू स्क्वायर, फिर आएगा वन बाय टू वन बाय टू क्यूब, और ऐसे चलता रहेगा वन बाय टू पावर एन तक, कहां तक चलेगा 1 by 2 पावर n तक चलता रहेगा। ठीक है, यहां से सबसे इंपोर्टेंट जो इसमें वर्क कह सकते हैं, इंपोर्टेंट स्टेप हम कह सकते हैं वो यही है, vn का निर्माण कैसे करना है, vn को हमको बिल्ड कैसे करना है, जो vn ऑक्सिलरी सीरीज है इसकी सहायक श्रेणी कह सकते हैं उसका निर्माण कैसे करेंगे। अब उसका निर्माण करने के लिए वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। इसका मैंने फर्स्ट टर्म लिया वन और वो वन के इक्वल है, वन बाय टू लिया फिर टू की पावर मैंने लिया यहाँ पे वन और वो उसके इक्वल है, ये क्या है टू की पावर जीरो के इक्वल है, जीरो से शुरू कर रहा हूं। देखो अगर आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे इसका, तो मैंने टू की पावर जीरो से स्टार्ट किया, फिर टू की पावर वन लिया, फिर टू की पावर टू लिया, टू की पावर जीरो जो होती है वन होती है और वो वन है वो इस वन के इक्वल है, फिर मैंने लिया टू की पावर वन और वो वन बाई वन अपॉन टू फैक्टोरियल के इक्वल है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करने के बाद हमने वीएन का यहाँ पे निर्माण किया, वीएन को बिल्ड किया है। अब सम ऑफ द वीएन हमारे पास में आ गया, वीएन इज वीएन इज अ जीपी, ये क्या है एक जीपी है। अब जीपी हो जाएगा इसका ए क्या हो गया वन हो गया, और आर यहाँ पे हो जाएगा वन बाय टू। अब जो आर जो है वो क्या है लेस देन वन है। अब आर जब लेस देन वन होता है उस टाइम पे हम सम का कौन सा लेते हैं, अब हमको क्या करना है इसका सम फाइंड करना है। चलो इसका सम फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा आर अपॉन वन माइनस आर, आर अपॉन वन माइनस आर वाला फॉर्मूला हम यूज लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 1/2, 1 - 1/2, और ये हमारे पास में एक क्या मिलेगा, 1/2 / 1/2 = 1। ये क्या मिलेगा हमारे पास में, एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, चलो जो भी यहां से इसको सॉल्व नहीं भी करते हैं तो भी देखते हैं, चलो ऐसे भी अगर हम करते हैं या फिर सॉल्व करके भी पता करते हैं कि जो सम होगा और वो सम आएगा हमारे पास में वो कैसा होगा, फाइनाइट नंबर होगा। जब भी फाइनाइट नंबर होता है और वो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब जब सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी वीएन क्या है, कन्वर्जेंट है, VN convergent है, उस टाइम पे UN भी convergent हो जाएगा। और रही बात इस कंडीशन की, ये कंडीशन यहां पे फॉलो हो रही है, देखो VN जो है वो ग्रेटर देन है, VN जो है वो यहां यहां से क्या है, UN से, UN का कोई भी टर्म है वो उससे क्या है, ग्रेटर देन है। और क्या है, इक्वल टू की बात भी कर रहा है तो इक्वल भी हो रहा है, यहां पे भी इक्वल हो रहा है, यहां पे भी इक्वल हो रहा है, मतलब दोनों टर्म जो है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, ग्रेटर देन की भी फॉलो हो रही है, VN का कोई भी टर्म उठाओ आप वो इससे क्या है, ग्रेटर है। और इक्वल टू का अगर बात करेंगे तो यहां से देखो 2 की पावर 0 ले सकते हैं या फिर 1 ले सकते हैं, ये भी इसके इक्वल होगा, 1/2 हो जाएगा, यहां से 1/2 फैक्टोरियल है वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां से ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, और इस फर्स्ट वाले में अगर देखते हैं ये कंडीशन अप्लाई एंड सेकेंड कंडीशन, ये अगर कन्वर्जेंट है इसके साथ में, कंडीशन अप्लाई होने के साथ में अगर ये कन्वर्जेंट है, सो वी कैन से दैट UN is also a UN is also a convergent, UN is also convergent, UN is also convergent, okay। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया। ये वैसे ज्यादातर मेथड जो है ये जनरली काम नहीं आता है, जनरली जो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट उसमें हम देखेंगे कि वो जो होता है वो ज्यादा काम आता है, उसके ज्यादा एग्जांपल्स मिलते हैं बुक में, एग्जाम में, ये बस इस वाले जो फॉर्म में होता है। और ऐसे फॉर्म के क्वेश्चन हमको काफी कम देखने को मिलते हैं, फिर भी एक अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इसको ध्यान से पढ़े, मैं इसको जितना हो सके उतनी कोशिश की। मैं जो इसमें हम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज अ मेक How to make VN? VN को हम कैसे बनाते हैं? With the help of this condition, ये condition भी वहाँ पे apply होनी चाहिए, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे? वो काम कर सकते हैं। तो so thanks for watching this video, keep watching MS Math, share, comment, don't forget, okay? Share भी करना और comment भी करना, thanks.